लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीजेपी को आप पूरा फोकस होने वाले 9 विधानसभा उपचुनाव पर है। पिछले चुनाव परिणाम से उत्साहित सपा कांग्रेस गठबंधन भी कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी। जहां बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश करेगी, वहीं गठबंधन अपने फार्म को बरकरार रखना चाहेगी। यहाँ सबसे खास सीट अयोध्या की मिल्कीपुर होगी, जहां से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे और वह सांसद बन गए हैं। यहां से बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी, जिससे अयोध्या से हार का डैमेज कंट्रोल किया जा सके। करहल सीट पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। यहीं से सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक थे। इसके बाद कटहरी विधानसभा सीट से सपा विधायक लालजी वर्मा अब अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क अब सांसद बन चुके हैं। सपा के सामने अपने 4 सीटों को बचाने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं 9 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास हैं। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनुप वाल्मीकि, फूलपुर से प्रवीण पटेल और मजबा से विनोद बिंद और मीरापुर से विधायक चंदन चौहान अब सांसद बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब एनडीए के सामने अपनी 5 सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 6 विधायकों ऊंचा हार से मनोज पांडे, जलालपुर से राकेश पांडे, गोसाईगंज से अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और कालपी से विनोद चतुर्वेदी और चायल से पूजा पाल पर भी तलवार लटक रही है। अगर सपा इन बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता दायर करती है और अप्रूव हो जाता है, तो यहां पर भी उपचुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है।